हेलो एवरीवन, टेस्टी फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मावा की गुजिया। स्पेशली ये होली के त्यौहार पर बनाया जाता है और इसे दूसरे त्यौहारों में भी बनाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या सामग्री चाहिए। 2 कप मैदा, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1 कप मावा जो कि 150 ग्राम है, काजू और बादाम को स्लाइसेस में कट कर लिया है, 3 टेबलस्पून घी मेल्ट करके ले लिया है। डो में डालने के लिए 1/2 टीस्पून नमक ले लेंगे हम, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, ड्राई कोकोनट ग्रेट करके 1 कप ले लिया है। सबसे पहले हम बीच में इस तरह एक होल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और घी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मोहन कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसी तरह मिलाते हुए हमें उसे मैदा में घी को अच्छी तरह से डिजॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के एक टाइट डो बनाएंगे। गुजिया के लिए थोड़ा सा डो टाइट बननी चाहिए। एकदम से हम सारा पानी नहीं डालेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही हम पानी ऐड करेंगे। इसी तरह हम डो बना लेंगे। डो हमारा बन गया है। अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और एक गीला कपड़ा ढक देंगे। 10 मिनट के लिए उसे अलग रख देंगे। और अब हम हमारा स्टफिंग बनाने जा रहे हैं। तो एक पैन चढ़ा देंगे, मावा को इस तरह क्रम्बल करके पैन में रख देंगे और इसे गरम कर देंगे। मावा को हम ऐसे ही डाल सकते हैं ग्रेट करके बिना गरम किए, लेकिन अगर हम इसे गरम करके डालेंगे तो ये अच्छा फ्लेवर आएगा इसका और अच्छा स्मेल आएगा। 1 मिनट के लिए हम इसे गरम कर देंगे और इसे एक बाउल में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और हम सेम पैन में ड्राई कोकोनट को भी गर्म कर देंगे 1 मिनट के लिए। इसे भी हम ऐसे ही डाल सकते हैं बिना गर्म किए, लेकिन इसका भी एक अच्छा फ्लेवर आएगा इसीलिए मैं इसे गर्म कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे भी डाल सकते हैं। इसे भी हम 1 मिनट के लिए गर्म कर देंगे। अब ये गर्म हो गया है। अब इसे भी हम सेम मावा वाली बाउल में डाल देंगे। और दोनों को ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मावा ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम उसमें शुगर पाउडर नहीं डालेंगे, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब इसे मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो गया है
तो आप इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, काजू और बादाम को डाल देंगे जो हमने स्लाइसेस में कट कर रखे थे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। टॉपिंग हमारा रेडी है। अब हम डो चेक कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो गया है, ये ऊपर से ड्राई नहीं हुआ है। इसके हम बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं। और एक साथ बहुत सारा पूरी बना देंगे। इस तरह एक गुजिया की मशीन आती है, उसमें हम रखेंगे एक पूरी लेके, और बीच में हम 1 टेबल स्पून या थोड़ा सा ज़्यादा, जितना इसमें आ सकता है उतना हम स्टफिंग डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से इसे थोड़ा दबा देंगे। साइड से पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और इस तरह इसे दबा दीजिए, और साइड से जो एक्स्ट्रा डो है वो हम हटा देंगे। आप इसे चाकू के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। और ये अच्छी तरह से दबा देंगे। ये हमारा बन गया है। इसी तरह और एक बनाइए, बना के दिखाते हैं। और एक पूरी का ले लिया, इसके ऊपर रखकर इसी तरह बीच में स्टफिंग लगा देंगे। और इसे थोड़ा सा दबा देंगे, साइड से पानी लगा देंगे। ज़्यादा हम नहीं डालेंगे स्टफिंग, वरना फ्राई होने के टाइम ये तेल में ही निकल जाएगा। साइड से इस तरह डो निकाल देंगे। अच्छे से निकाल देंगे ये। और इसे अच्छे से दबा देंगे। अब ये हमारा तैयार है। साइड में कभी कभी मशीन के वजह से थोड़ा कट जाता है, तो हम इसे अच्छी तरह से ऐसे दबाते हुए शेप दे देंगे। ताकि ये हमारा तेल में निकल ना जाए। इसे भी कर देंगे अच्छे से। इसी तरह हम बाकी के सारे गुजिया बना लेंगे। ये देखिए सारी गुजिया बन के रेडी है। 2 कप मैदा में ये 19 गुजिया हमारे बन गए थे। 2-3 टेबल स्पून स्टफिंग भी बच गया था, ये बाद में कभी काम आ जाएगा, या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तेल गरम करने के लिए रख देंगे। और अब हम इसमें फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके गुजिया डालते जाएंगे। जितना हमारा कढ़ाई में आ सकता है उतना ही हम डालेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। और इसी तरह हम 2-3 मिनट में पलट पलट के इसको फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। 10 मिनट तक हम इसी फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और इसी तरह 2-3 मिनट में टर्न करते जाएंगे, ताकि दोनों साइड से हमारा गुजिया का कलर और ये अच्छे से पक भी जाए, कलर भी आ जाए। इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक
हम फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा कलर आ गया है, हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपना गुजिया को निकाल लेंगे, एक ये छानी के ऊपर रख देंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब इसे प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रख के रख देंगे। इसी तरह हम अपने सारे गुजिया फ्राई कर देंगे। अभी हमारा सारी गुजिया, ये हमारा टेस्टी मावा गुजिया बन के रेडी है। तो आप भी ये गुजिया बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।